दोस्तों, यदि आप लगता है कि आरसीबी की टीम इस आईपीएल से बाहर हो चुकी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 35वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। खासकर स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसमें आरसीबी के कप्तान विराट कोहली का विकेट सबसे बड़ा रहा। जडेजा ने 7वें ओवर में पहली ही गेंद पर कोहली को बोल्ड कर दिया। हालांकि उन्होंने इस विकेट का जश्न नहीं मनाया, जिसे लेकर फैंस ने जडेजा का मजाक उड़ाया गया कि उन्हें टीम इंडिया में वापसी करनी है, इसलिए वो कोहली के विकेट का जश्न नहीं मना रहे हैं। लेकिन जडेजा के जश्न न मनाने की वजह कुछ और ही है। उन्होंने कहा, ये मेरी पहली गेंद थी और मैं जश्न मनाने के लिए तैयार नहीं था। विराट का विकेट हमेशा ही अहम होता है। मैं केवल ये सोच रहा था कि मुझे अच्छा विकेट मिला है। जडेजा ने कहा, भज्जी दूसरे छोर से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने एबीजी का अहम विकेट निकाला। हमने जोड़ी में गेंदबाजी की और अटैक के रूप में हमसे यही उम्मीद की जाती है। अपनी सफल स्पेल के बारे में बात करते हुए जडेजा ने कहा, मैं काफी खुश हूँ। मैं अपनी गेंदबाजी का मजा ले रहा हूँ। विकेट थोड़ा सूखा था और मैंने सही एरिया में गेंदबाजी की। आज मैं अपनी लय का आनंद ले रहा हूँ। जडेजा ने कहा कि चेन्नई टीम के पास अच्छा गेंदबाजी अटैक है, इसलिए उन्हें लक्ष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है।